और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार को फिर से सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, साथ ही पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। शनिवार सुबह 6 बजे से नई दरें लागू की गई है, जिससे नोएडा और गाजियाबाद में नई दरों के बाद सीएनजी प्रति किलो 81.17 रुपए मिल रही है। योगी की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस पे कोई कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है कोई, जबकि हर रोज बढ़ती जा रही है कोई, और हमें मजदूरी वो मिलती नहीं है, क्योंकि कोई भी गाड़ी का किलोमीटर हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और महंगाई रोज की रोज बढ़ती जा रही है। दिन कैसे ऐसी महंगाई, बच्चों को पालेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कोई लगातार डीजल पेट्रोल पर भी दाम बढ़े हैं, आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है? काफी असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, आप देख लो हर चीज में महंगाई है। इस तरीके से तो ये देखा जाए तो हम लोगों ने तो मोदी सरकार को एक अच्छी, बहुत अच्छी सरकार समझा था, इसलिए हमने उसको सपोर्ट भी किया था ताकि जो मजदूर लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मजदूर लोगों के बारे में हित में तो कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। अब दिन पर दिन अगर सीएनजी के रेट ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले हम लोग का सिलेंडर 80 रुपए में फुल हो जाता था, आज हमें 300 रुपए तो गैस के लिए चाहिए, ठीक है जी, उसके बावजूद अब हम 300 रुपए का सीएनजी डलवाएंगे तो हम घर पे क्या लेके जाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे?